हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि कैसे एमएस एक्सेस डेटाबेस को और नेटबीन्स आईडी को कनेक्ट करेंगे जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू, जिसमें कि हम लोग यू कैन एक्सेस ड्राइवर का यूज किए हुए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो वीडियो देख चुके होंगे, यानी तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि कैसे कनेक्ट करते हैं एमएस एक्सेस डेटाबेस को और जावा नेटबीन्स आईडी को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इस एमएस एक्सेस डाटा बेस में से रिकॉर्ड को अगर हम लोग देखना हो या फिर इंसर्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे हम लोग। तो पिछले वीडियो हम लोग यहाँ तक देख लेते थे कि इसका जो रेफरेंस आईडी था, कनेक्शन ऑब्जेक्ट था जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट किए थे, वो प्रिंट कर चुके थे। तो चलिए आज हम लोग कुछ और नया करके देखते हैं कि कैसे उसके डाटा को हम लोग एक्सेस करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अभी हम लोग को जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है उसके रेफरेंस को प्रिंट करना नहीं है यहाँ पे। तो इसमें हम लोग क्या किए हुए थे कि एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्लियर कर लिए थे और कनेक्शन का कन इक्वल टू हम लोग ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन के थ्रू हम लोग अपने डाटाबेस को एक्सेस कर रहे थे। तो इसमें क्या कर रहे थे हम लोग कि अपने डाटाबेस का यूआरएल यहां से पास करते हैं गेट कनेक्शन मेथड में। यहाँ पे हम लोग JDBC कॉलन यू कैन एक्सेस कॉलन डबल स्लैश कॉलेज डॉट ACCDB। ये क्या हो गया मेरा कॉलेज नाम से हम डाटाबेस क्रिएट किए हुए हैं अपने एमएस एक्सेस में। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि हम डाटाबेस क्रिएट किए हुए हैं एमएस एक्सेस में कॉलेज के नाम से। तो यहाँ देख सकते हैं कि डाटाबेस क्रिएटेड हो चुका है और इसको हम लोग क्या किए अपने जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में इस कॉलेज नाम के जो एक्सेस डाटाबेस है उसको हम लोग पेस्ट कर दिए। आप जब भी डाटाबेस क्रिएट करते होंगे एक्सेस में तो एक फाइल क्रिएट होता होगा जिसको आप जहाँ चाहे रख सकते हैं। तो उसको क्या कीजिए अपने जो नेटबीन्स आईडी का प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दीजिए, जहाँ पे आपका SRC फोल्डर या टेस्ट फोल्डर या NB प्रोजेक्ट ये फोल्डर सब जहाँ होगा वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे कर चुके हैं। और इसमें हम क्या किए हैं कि एक टेबल क्रिएट किए हुए हैं स्टूडेंट नाम का और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रखे हुए हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में इस इन्फॉर्मेशन को अपने नेटबीन्स आईडी में शो करेंगे यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर यू कैन एक्सेस ड्राइवर के थ्रू। तो कनेक्शन हम लोग कर चुके थे, तो चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, तो पहले से डिजाइनिंग करके रखे हुए हैं कि डिजाइनिंग कर लिए हैं कि जो भी था, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को आईडी था, आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मोबाइल नंबर लिए हुए हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मोबाइल नंबर ले चुके हैं और एक शो डाटा के लिए बटन ले चुके हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो मेरा रिकॉर्ड है वहाँ से यहाँ पे शो हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग शो रिकॉर्ड या फिर शो डाटा वाले बटन पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। हम इस पर और भी वीडियो बना चुके हैं, जैसे कि MySQL के साथ कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर कोई प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, बहुत सारे हम वीडियो बना चुके हैं। आप जाके मेरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस, बात यह है कि MySQL डाटाबेस के साथ आप लोग जैसे ऑपरेशन करते हैं सेम उसी तरह से हम लोग MS Access डाटाबेस के साथ भी परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन जो भी करना होगा। तो एक हम करके दिखाते हैं, देन उसके बाद इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेंगे कि कैसे होता है। तो बटन को सिलेक्ट करेंगे, इवेंट में आएंगे, एक्शन में आएंगे, एक्शन परफॉर्म में आ जाएंगे और यहाँ से हम लोग जो भी कोडिंग करना चाहते हैं यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो हम लोग तो अभी कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रजिस्टर कर चुके हैं, मेरा कनेक्शन हो चुका है डाटाबेस से। तो डाटाबेस से कनेक्शन कैसे करना है वो इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, आपको उसमें समझ में आ जाएगा पूरी तरह से कि कैसे करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग एक्सेस करते हैं अपने डाटा को अपने एक्सेस डेटाबेस से। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो स्टेटमेंट का यूज करेंगे। स्टेटमेंट एक क्लास है जो कि आपको SQL पैकेज में मिल जाएगा। इसके थ्रू हम लोग SQL से रिलेटेड जो भी क्वेरी होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो स्टेटमेंट लिखेंगे और कुछ भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं अपने मन से। तो स्टेटमेंट के लिए हम लोग ST ले लेते हैं। इसका तो हम लोग क्या करेंगे कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। इसको ट्राई और कैच के अंदर में लिखना होता है, तो चलिए ट्राई और कैच के अंदर में लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे रिजल्ट सेट का यूज करेंगे। तो रिजल्ट सेट क्या है, यह भी एक क्लास है जो कि SQL पैकेज में है। इसके थ्रू भी हम लोग जो भी क्वेरी परफॉर्म करना होता है इसके थ्रू भी करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे रिजल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं RS=ST.execute query। अब जो भी क्वेरी हम लोग को एग्जीक्यूट करना होगा यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो अब
क्वेरी के अंत कौन सा एग्जीक्यूट करना है, यानी कि हम लोग को कौन सा कमांड पास करना है, कौन सा क्वेरी हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप MySQL डेटाबेस यूज करते होंगे तो उसमें क्रिएट डेटाबेस या फिर शो डेटाबेसेस, क्रिएट टेबल या फिर इस तरह से जो भी कमांड हम लोग यूज करते थे, सेम कमांड हम लोग MS Access डेटाबेस में भी यूज करते हैं, क्योंकि MS Access डेटाबेस जो है MS SQL का एक GUI फॉर्म है। तो MySQL डेटाबेस का जो भी क्वेरी है सेम क्वेरी हम लोग MS Access में भी यूज करेंगे। तो अभी हम लोग को रिकॉर्ड जो भी था MS Access में उसको हम लोग को यहाँ पे शो करना है। तो रिकॉर्ड देखने के लिए हम लोग MySQL में किस चीज का यूज करते थे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल का नाम, तो टेबल का नाम हम लोग यहाँ पे क्या रखे हुए हैं, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, टेबल का नाम मेरा स्टूडेंट है वही लिखेंगे, यानी तो सिलेक्ट जो भी रो हमको चाहिए फिर कॉलम चाहिए उस कॉलम का हम लोग यहाँ पे नाम लिख देते थे। अभी हम लोग को सारा रिकॉर्ड चाहिए तो इसलिए हम लोग स्टार का यूज करेंगे, तो सेम वही कमांड लिखेंगे यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसी कमांड के थ्रू हम लोग करेंगे। तो अगर ये मेरा रिकॉर्ड से कनेक्शन कर लेगा तो यहाँ पे RS में नल नहीं रहेगा, बाय डिफॉल्ट इसमें नल रहेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं इफ कंडीशन के साथ, इफ RS डॉट नेक्स्ट, यानी कि रिकॉर्ड है या इसमें नहीं है, रिकॉर्ड होगा तो नेक्स्ट पे आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। RS डॉट नेक्स्ट कर लेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसमें रिकॉर्ड को शो करते जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड शो करेंगे, तो चलिए इसका नाम देख लेते हैं हम लोग क्या रखें, इसका नाम हम लोग चेंज करके TXT ID लिख लेते हैं, या इस तरह से हम नाम चेंज करके पहले ही रख लिए हैं, तो आप लोग नाम इसका चेंज कर लीजिएगा, या फिर चेंज अगर नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेंज करके हम लोग इसको अच्छे तरीका से मैनेज कर सकते हैं। तो सबका नाम हम लोग चेंज कर लिए हैं, अब उस टेक्स्ट में हमको डाटा फीड करना है, तो क्या करते थे TXT ID, उसका टेक्स्ट का नाम रखे हैं डॉट सेट टेक्स्ट, इस मेथड के थ्रू हम लोग कोई भी टेक्स्ट अगर हम उस टेक्स्ट बॉक्स में सेट करना होता है तो सेट करते थे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेट कर रहे हैं तो कौन सा सेट करेंगे, जो हम लोग का रिकॉर्ड डाटाबेस में है, तो डाटाबेस से रिकॉर्ड लेके हम लोग अपने RS में आ चुके थे। RS मेरा क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है हमारे स्टूडेंट टेबल को, तो उससे रिकॉर्ड हम लोग को एक्सेस करना, तो क्या करेंगे RS डॉट गेट स्ट्रिंग, कौन सा स्ट्रिंग हम लोग को चाहिए, तो आईडी चाहिए, तो यहाँ पे आईडी लिख देंगे हम लोग। उसके बाद फिर से TXT F नेम, फर्स्ट नेम हम लोग को चाहिए डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम फिर से हम लोग क्या करेंगे RS डॉट गेट स्ट्रिंग, उसके बाद क्या चाहिए फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, इस तरह से जो भी रिकॉर्ड हमको चाहिए सारा रिकॉर्ड यहाँ पे हम लोग लिखते जाएंगे। तो नेक्स्ट मेरा क्या था TXT लास्ट नेम डॉट सेट टेक्स्ट RS डॉट गेट स्ट्रिंग, उसके बाद फिर से मोबाइल नंबर हम लोग को सेट करना है, तो मोबाइल नंबर के लिए क्या करेंगे RS डॉट गेट स्ट्रिंग, उसके बाद क्या है हम लोग का जो टेबल का नाम है यहाँ पे देख सकते हैं, टेबल का नाम हम लोग क्या लिखे हुए हैं मोबाइल नंबर है, तो सेम वही नाम को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, नेम सेम होना चाहिए नहीं तो एक्सेस करने में इसको दिक्कत होगा, मोबाइल अंडरस्कोर नंबर जो वहाँ पे हम लोग लिखे हैं वही यहाँ पे भी लिखेंगे, ये हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको, चलिए रन करके देख लेते हैं, तो इसमें हम लोग क्या किए RS मेरा क्या कर रहा है, उस टेबल से रेफरेंस को होल्ड करेगा, अब जो भी रिकॉर्ड उसमें है हम यहाँ से एक्सेस करते जाएंगे, तो RS डॉट नेक्स्ट किए कि रिकॉर्ड नेक्स्ट है या फिर नहीं है, अगर रिकॉर्ड नेक्स्ट है तो उसको हम लोग एक्सेस करके अपने टेक्स्ट बॉक्स में सेट कर देते, चलिए रन करके देखते हैं कि काम कर रहा है या फिर कुछ एरर आ रहा है, अगर एरर आएगा तो हम लोग फिर से देखेंगे क्या दिक्कत है। तो देख सकते हैं जो भी मेरा रिकॉर्ड था वो यहाँ पे आ चुका है। तो गाइस मेनली इसमें यह है कि आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं अपने MS Access डेटाबेस में या फिर रिकॉर्ड को इंसर्ट अपडेट कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जो भी MySQL डेटाबेस का क्वेरी था या फिर कमांड था उसी का यूज करके आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर या फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, या फिर इंसर्ट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, जो भी ऑपरेशन था ना वो सारा कुछ हम लोग सेम तरीका से कर सकते हैं इसमें।
तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हम MySQL डेटाबेस के साथ कैसे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस पर एक अलग प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। आप मेरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे आप सीख सकते हैं कि कोई भी कमांड हम लोग कैसे पास करेंगे अपने जब आप प्रोग्राम के थ्रू MySQL डेटाबेस में, तो सेम कमांड आप एक्सेस डेटाबेस में भी पास करके सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर हम नेक्स्ट वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो ठीक, चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।